इस वक्त मैं समझता हूँ जो सबसे जो नीड ऑफ द डे है वो लीग है। अगर लीग होती है तो मैं समझता हूँ उसमें सबसे पहले हॉकी की एग्जीक्यूशन होगी और पूरे सोशल मीडिया और पूरे यू नो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे हॉकी नज़र आएगी, हॉकी कम बैक करेगी और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी मुआशियात बेहतर होगी एंड देन यू नो इंटरनेशनल प्लेयर्स आके यहाँ खेलेंगे तो उनको लर्निंग का भी मौका मिलेगा। तो ये भी एस्पेक्ट है टू यू नो गेट बैक द ग्लोरियस पास्ट। लेकिन जब हम अपनी यूथ की परसेंटेज को देखते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एक ही विजन है कि यूथ को मैक्सिमम यूज़ किया जाए और उनकी जो पोटेंशियल है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो हमारा फ़र्ज़ है कि जितने भी मैदान हैं उनको आबाद किया जाए और तमाम जो स्पोर्ट्स हैं उसमें जो हमारे हीरोज़ हैं जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अनआइडेंटिफाई हैं उनको डिफरेंट रिसोर्सेज से ला के तो अपनी इंटरनेशनल जो हमारी विक्ट्रीज हैं उनको गेन किया जाए ताकि पाकिस्तानियों को भी एहसास हो। मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स जो हैं जब वो जीतेंगे तो एक कौमियत का एहसास होता है। हमारा फोकस बहुत बड़ा इसके ऊपर है और आपको पता जैसे राणा मशहूर साहब टैलेंट हंट प्रोग्राम के चेयरमैन हैं और वो इस वक्त दिन रात इसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं कि सिमल्टेनियसली हमारी 16 स्पोर्ट्स जो हैं प्रायोरिटाइज की गई हैं जिनको वर्क करके तो उनको इंटरनेशनली मनवाया जाए। जी ऑब्वियसली हमने फेडरेशन के साथ मीटिंग की हैं, मार्केटिंग के साथ मीटिंग की हैं और हम एक ऐसा मॉडल बनाने जा रहे हैं जो सस्टेनेबल मॉडल हो, फेसेस चेंज होते रहें लेकिन लीग जो है वो हर साल हो। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ विद इन कपल ऑफ वीक हम इसके ऊपर एक सक्सेसफुल मॉडल बनाने में कामयाब हो जाएंगे एंड आफ्टर दी अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरेशन के साथ उसकी चीज़ों को क्लियर करके तो इंशाल्लाह इसको हम फिर पब्लिसाइज करेंगे। बिल्कुल इस वक्त मैं खुद ज़ाती तौर पर यूरोप और चंद ऐसी कंट्रीज़ में जा रहा हूँ और वहाँ पे उनकी फेडरेशन से और डिफरेंट क्लब्स के साथ मीटिंग्स रखी हुई हैं ताकि अभी रिसेंट पास में हॉलैंड की एक क्लब जो बुली है वो यहाँ खेल के गई है तो एक बड़ा सॉफ्ट इमेज और गुड मैसेज गया है। तो उसी बेस पे काफ़ी क्लब्स ने हमें रब्ता किया, दे वॉन्टेड टू विजिट पाकिस्तान। तो हम चाह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी करवाएँ और पाकिस्तान की टीम बायलैटरल बाय जाके भी खेलें। देखिए जी मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली हॉकी पहले से बड़ी है लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कम हो गए हैं। पहले प्लेटफॉर्म ज़्यादा थे, प्लेस भी ज़्यादा थे, तो अभी प्लेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। इवन एकेडमिया ने इसको डिलीट कर दिया फिर भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट सीरियस है और गवर्नमेंट ने आते ही डिपार्टमेंट रिवाइव किए और प्लेयर्स को मोटिवेट किया तो इंशाल्लाह प्लेयर्स की तादाद बहुत बढ़ेगी। और ऑब्वियसली क्रिकेट की बात अगर आपने की है तो क्रिकेट ऑफ कोर्स इज़ अ पब्लिक गेम और हर पाकिस्तानी आपको पता है वो सिर्फ जीत जाता है। तो जो हमारे प्लेयर्स का पोटेंशियल था मतलब जब हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो भाई एक पोटेंशियल एग्जीक्यूट ना हो तो फिर आप चैम्पियनशिप टूर्नामेंट्स में सर्वाइव नहीं कर पाते। बिल्कुल देखिए जी जो शॉर्टकट्स होती हैं उसमें हमारे जो हमसाया मुल्क को देखें तो उन्होंने सबसे पहले 10 लीग्स को इम्प्लीमेंट किया, डिफरेंट अपने जो उनके हीरोज थे जो फिल्मी हीरो उनको अटैच किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया और फिर फिल्में बनाई और उसके साथ आप देखें कि उनकी स्पोर्ट्स इस वक्त उनका 120 प्लेयर्स का कॉन्टिजेंट है जो इस वक्त क्वालिफाई करके ओलंपिक पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वी शुड लर्न फ्रॉम दी यू नो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड। और मैं पर्सनली मैंने साउथ अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश मॉडल को रीड किया और हमारे जो सर्कमस्टांसिस हैं ब्रिटिश मॉडल को बहुत सूट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बड़े पूर्व उम्मीद हैं कि हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह जो है ना अपने प्लेस को ग्रूम करेंगे और आने वाले सालों में पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने पोटेंशियल पर क्वालिफाई करेंगे। जाऊँ कि सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह की रहमत से, ऑब्वियसली एक ऑनर होती है हर स्पोर्ट्समैन के लिए कि प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट का फोकल पर्सन बना, फिर मरियम नवाज़ साहिबा का जो कि यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं उन्होंने भी मौका दिया कि बोर्ड में आएँ और हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं समझता हूँ ये एक नहायत खूबसूरत मॉडल बन जाएगा कि आपका फेडरल और प्रोविंशियल जो है वो कोलैबोरेट करके आगे प्रोग्रेस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बनाएँ जिसमें हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं स्पोर्ट्स फीमेल्स एंड मेल जो हैं वो आइडेंटिफाई हों और अपने प्रोविंस के साथ साथ फेडरल को रिप्रेजेंट करें। तो नॉर्मली हो क्या रहा है इस वक्त कि एक इवेंट जो फेडरल करवाता है वो प्रोविंस करवाता है, लेकिन हम ऐसा कोलैबोरेट करेंगे कि हम टैक्स पेयर के पैसे को भी सेव करेंगे और इंशाल्लाह एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसमें हमारे एथलीट्स ग्रूम होंगे।